औरत जा रही तो ये वादा करके आना मौला, आज के बाद मैं पर्दा नहीं उतारूंगी। ये नहीं कि इमाम बारगाह में मैं आऊंगी तो पर्दे में आऊंगी, ऑफिस जाऊंगी तो पर्दा उतार दूंगी। सब खामोश होंगे। मैं अमेरिका में बोल रहा हूं ये बात, आई नो, मैं भी बहुत पुराना हो गया था। अगर आप चाहें तो कर सकते, मैं इससे ज्यादा नहीं बोलता। हिजाब लाजिम है, अगर आप हिजाब नहीं है तो कुछ नहीं है। दुआओं की कबूलियत के लिए हिजाब जरूरी है। अब मैं आपसे एक मिसाल देता हूं, मौलाना बैठे हुए, आप नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, औरत एक नमाज पढ़ना चाह रही है, घर के अंदर कोई नामहरम नहीं, अकेली बेटियां हैं, बेटा है, शौहर है, कोई नामहरम आई नहीं, वो जैसे चाय पी ले, हर चीज उसके लिए जाए, हिजाब की जरूरत ही नहीं। अब अगर वो नमाज पढ़ना चाहे वजू करके, तो वो बगैर हिजाब के नमाज पढ़ सकती? पूछ रहा मैं क्यों, एक नामहरम नहीं है भाई, घर के अंदर कमरे के अंदर अकेली औरत, कोई है ही नहीं मर्द, पढ़ ले नमाज। हुक्म क्या है, अकेले भी होंगे तुम, जब उसके सामने जाना तो हिजाब के साथ प्रॉपर किट में जाना। जब प्रॉपर किट अल्लाह चाहता है तो हुसैन नहीं चाहते, ये लाजिम है। मैं नहीं बोल रहा ज्यादा हिजाब पे, इसलिए कि आज मुझे कल जो वादा किया था वो बोलना है, मेरे ऊपर प्रेशर है, इसलिए आज मर्द हजरा थोड़े कम हो गए। मैं हाथ रख के नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ता ही नहीं कभी हाथ रख के, जो हक है वो तो बोलना ही बोलना है। तो बहरहाल ज्यारत इमाम हुसैन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, हर वक्त बोलो अल्लाहुम्मा अरज़क़नी फिर दुनिया ज्यारत हुसैन, इंशाल्लाह।